डूबी हैं सड़कें, डूबे हैं गांव, बाढ़ के कारण जान पर लगा है दांव। कहीं पेड़ खिसक रहे हैं, कहीं धरती फट रही है, पहाड़ों से जमीन तक मचा हुआ है हाहाकार। न रहने का ठिकाना है, न सर छिपाने को बची है छत। बाढ़ बारिश मिलकर लिख रही है बर्बादी का खत। कहीं नेताजी बह गए, कहीं लोग डूब गए। बिहार और असम में बारिश क्या से क्या कर गई। मुश्किल में जान, बस करो भगवान। नमस्कार, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आधा हिंदुस्तान बाढ़ और बारिश की चपेट में आ चुका है, लेकिन आफत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। बिहार से आसाम तक, उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज हम आपके सामने और कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे, मुश्किल में है जान, अब बस भी करो भगवान। एक बार फिर बारिश आई है, साथ में आफत लाई है। बाढ़ से मची है हर जगह तबाही, पहाड़ों से जमीन तक सिर्फ पानी ही पानी। बाढ़ के बाहुबल के सामने एक बार फिर इंसानी जिंदगी बेबस है, लाचार है, परेशान है, दुखी है। करें तो क्या करें, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी है। बाढ़ से बर्बादी की तस्वीर पिछले कुछ दिनों से बदल ही नहीं रही। आधा हिंदुस्तान पानी की आफत झेल रहा है, बिहार से आसाम तक, उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक। मानो आसमान से बारिश नहीं, बर्बादी बरस रही है। हर रोज ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगती है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये बिहार के मोतिहारी की तस्वीर है। चीखे सुनकर दिल दहल जाता है, तस्वीरें देखकर रूह कांप जाती है। जय भारत, 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 जय भारत,
पहाड़ी नदी की उफनती धार को कमजोर समझना एक बाइक सवार को महंगा पड़ गया। जैसे ही बाइक सवार ने पानी को पार करने की कोशिश की तो वो नदी का तेज धार झेल नहीं सका और देखते ही देखते बाइक सहित बह गया। गनीमत रही कि आसपास के लोग मौजूद थे, युवक की जान बचा ली गई। लेकिन ये एक नसीहत भी है कि पानी से खिलवाड़ ना करें, एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। लेकिन बाढ़ में सिर्फ आम लोग ही नहीं, अगली तस्वीर उत्तराखंड की है। नेताजी गए तो थे लोगों का हाल चाल जानने के लिए, लेकिन उन्हीं की जान मुसीबत में आ गई। तस्वीर पिथौरागढ़ के धारचूला में कांग्रेस विधायक हरीश धामी की है, जो बाढ़ में बहते बहते बाल बाल बचे। दरअसल बाढ़ वाले इलाके से गुजरते हुए विधायक जी का पैर फिसला और नेताजी बहने लगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधायक जी को संभाल लिया, नहीं तो कांग्रेस नेता का बच पाना मुश्किल था। अब आपको उत्तराखंड से बिहार लेकर चलते हैं। बिहार का हाल बाढ़ से बेहाल है। हर दिन के साथ कुछ ऐसा सामने आ जाता है जो नीतीश सरकार के लोगों के लिए आम बात हो चुकी है। बिहार के करीब 10 जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। खगड़िया में बाढ़ में बहने से गुरुवार को 4 लोगों की मौत हो गई। बिहार में बाढ़ आपदा से निपटने में एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है, लेकिन जहां राहत नहीं पहुंच पाती वहां की तस्वीर आप इंडिया न्यूज पर देखिए। देखिए लोगों को रास्ता तय करने के लिए नाव बनाकर खुद किस तरीके से एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना पड़ रहा है और उसी पानी में नजर आता है एक सांप। यानी एक तरफ बाढ़ का खतरा, दूसरी तरफ सांप का खतरा। इंसान करे भी तो क्या करे, जाए भी तो कहां जाए। और बात सिर्फ इंसान की नहीं, बात उस सांप की भी या तमाम ऐसे बेजुबानों की भी। कहीं नेताजी बह रहे हैं, कहीं बाइक समेत लोग पानी की धार से बच नहीं पा रहे। इन तस्वीरों को देखकर तो जहन में एक ही बात आती है, अब बस भी करो भगवान, और कितना सताओगे, कितना परेशान करोगे 2020 में, और क्या क्या दिखाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जमीन पर हाहाकार मचा है तो पहाड़ों पर भी आफतों का तूफान है। लैंडस्लाइड के कारण लोग जहां के तहां फंसे हैं। ऐसे में सेना भी अपना काम कर रही है, लेकिन लोग बेचारे क्या करें भी। तबाही का मंजर इन दिनों आम सा ही नजर आता है। बर्बादी की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो हैरान और परेशान दोनों हो जाएंगे। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक पहाड़ दरक रहे हैं और लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। अगले 24 घंटे पहाड़ों के लिए बहुत भारी हैं। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश ने
बीते एक महीने से भारी तबाही मचाई है। ये तस्वीर चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन की है, जहां पहाड़ का हिस्सा नीचे आ गया। पहाड़ों पर जहां तक देखोगे कुछ ऐसा ही नजारा नजर आएगा। मूसलाधार बारिश से सड़कें खिसकते पहाड़ों के मलबे के नीचे दबी हैं। क्या रुद्रप्रयाग या मसूरी, हर जगह का हाल बेहाल है। मानो पहाड़ों पर इन दिनों मौत अपना तांडव कर रही हो। एक एक दिन में 307 मिलीमीटर बारिश नए रिकॉर्ड बना रही है। इसी बरसात में कई सड़कें बह चुकी हैं, जिसकी वजह से आने जाने की समस्या खड़ी हो चुकी है। ऐसे में लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। धारचूला इलाके के गांव में बारिश भूस्खलन के बाद फंसे कुछ लोगों को आर्मी के जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला, और तरीका आपके सामने है। दरअसल इस इलाके में अचानक फ्लैश फ्लड आने के बाद लोग फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला गया। आर्मी के जवानों ने लोगों को राहत सामग्री और दवाइयां भी मुहैया कराई। कुछ जगहों पर सेना देवदूत बन रही है, लेकिन उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आसाम में हालात सुधरे नहीं। ये तस्वीर देखिए, जहां लकड़ी का पुल बनाकर उसे पार करने की कोशिश करता एक शख्स दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसका बैलेंस बिगड़ते ही पल भर में पानी के बहाव में अपनी बाइक के साथ बह जाता है। इस तरह की तस्वीरें आम हैं। कहीं मकान के मकान तिनके की तरह टूटकर पानी में मिल जाते हैं, कहीं जमीन के साथ बड़े बड़े नारियल के पेड़ बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। आलम तो ये है कि असम में बाढ़ का पानी लोगों के घरों के अंदर है, और लोग उसी घर में सामान के ऊपर बैठे मदद की राह ताक रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये भारत के ही तेलंगाना की पिक्चर है। एक ऑटो चालक ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो अपनी रोजी रोटी के संसाधन को नहीं बचा पाया। देखिए उसकी आंखों के सामने उसका घर चलाने का जरिया किस तरह पल भर में बहता हुआ उससे दूर, बहुत दूर चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।